बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इलाहाबाद से आती हुई, प्रयागराज से आती हुई, जहां पर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर आज सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई, हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच में ये मामला है। पूरी जमीन ट्रस्ट को देने की मांग की गई है इसमें, और आज भी पक्ष यहां पर रख रही है, कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से यहां पर पक्ष रखा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद के ऊपर आज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के ऊपर आज सुनवाई है। सिंगल बेंच के सामने यह सुनवाई हो रही है। इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से बात रखी जा रही है, वहां पर केस की पोषणीयता पर ईदगाह कमेटी ने सवाल उठाए हैं कि केस यहां पर चलना चाहिए नहीं। ईदगाह कमेटी ने 1991 के एक्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यहां हवाला दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में ये मामला चल रहा है। पिछले दो दिनों से हिंदू पक्ष की दलीलें चल रही हैं। दावा क्या है, स्थिति क्या है, जन्मभूमि की जगह पर मस्जिद बनी है, स्थिति स्थानीय अदालत में यह मामला चल रहा है। दावा है जन्मभूमि की जगह पर मस्जिद बनी, स्थानीय अदालत में यह मामला चल रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। दो दिन से कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से बात, अपनी दलीलें रखी जा रही हैं, और इससे पहले जो मुस्लिम पक्ष है उसने इस केस के मेंटेनेबिलिटी या पोषणीयता को लेकर सवाल उठाए। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाए हैं। हालांकि अभी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।